चैप्टर नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज। टॉपिक चैप्टर नंबर 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल सब टॉपिक इसका है रिव्यू एक्सरसाइज। नंबर 13 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ और उसकी रीजन बताती हूँ। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उन्होंने कुछ ट्राइंगल्स दी हुई हैं और आपसे कहते हैं उन्होंने एक ट्राइंगल दी हुई है और उसकी लेंथ दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं क्या इन लेंथ्स को यूज करके जो लेंथ्स उन्होंने गिवन दी हुई है दैट इज 2, 3 एंड 5 और इनका जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये लेंथ्स गिवन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर तो क्या ये लेंथ्स जो है ट्राइंगल की ये बना सकती हैं आपके पास ट्राइंगल और नॉट। अब थ्योरम नंबर 13.3 की जो आपने स्टेटमेंट की थी, आपने किया था द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और आप यहाँ पे हर दो साइड को सम करके देखेंगे कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर आती है नहीं। पहले मैं 2 और 5 को लेती हूँ तो ये आ रहा है 2 प्लस 5 7 और थर्ड साइड क्या बच जाती है 3। यस यहाँ पे तो स्टेटमेंट ट्रू होती है। अब सेकंड में केस लेती हूँ, लाइक मैं अब इन दो को ले लेती हूँ, ठीक है 5 प्लस 3 तो 5 प्लस 3 आपके पास 8 आ जाता है और जो थर्ड साइड बचती है वो 2 तो इसके लिए भी ट्रू आ जाता है वो थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इन दो को कैलकुलेट करते हैं 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 बट 5 इस जो थर्ड साइड बचती है वो तो 5 है वो तो इसके इक्वल आ गया विच इज नॉट ट्रू क्योंकि आपने पढ़ा था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस केस में तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड आ गया तो यहाँ पे इस लेंथ ने उस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसको फुलफिल नहीं किया तो इट्स मीन वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये जो एम सी क्यूज है वो रॉन्ग है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? क्लियर हुआ? यस। चलें अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये भी एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आपसे पूछा जो आपकी रिकॉल करवा रहा है कंसेप्ट को जो आपने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो मुझे ये बताएंगे, ये सदान का तो बड़ा अच्छे से क्लियर था, माज आप बताओगे बेटा। माज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है आपने पढ़ा था थ्योरम नंबर 13.4 की स्टेटमेंट में कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपसे अब वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन। तो एंगल क्या होगा उसका, ये तो आपको पता चल गया है कि परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप हमें बताएं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एंगल क्या होगा। मास बेटा पार्ट टाइम कम है, जल्दी से बताओ। अनस आप बता दो। मैम 90 डिग्री। अच्छा सही है, मास ने बता दिया। यस मास 90 डिग्री, गुड, बिकॉज आपको आपने ये थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ लिया था कि परपेंडिकुलर लाइन और सबको पता है परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप अपनी बुक्स पे स्टेटमेंट के आगे जस्ट लिखे 90 डिग्री। इसका आंसर कोई ऐसा जितना सॉल्व करने वाला नहीं था, जस्ट रिकॉलिंग का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3
If 13 centimeter, 12 centimeter, and 5 centimeter are the lengths of triangle, then verify that the difference of measure of any two sides of triangle is less than the measure of the third side. तो आपने वेरीफाई करना है कि जो डिफरेंस होगा दो साइड्स का वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, लेस होगा. जबकि हमने सम के लिए क्या किया था कि वो ग्रेटर होगा. तो ये अब हम प्रूफ करके बताएंगे कि प्रूफ तो नहीं करना, जस्ट इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है कि आइदर ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है. तो ऑफकोर्स अगर मैं 13 है 12 है, 13 में से 12 को माइनस करूँ तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और थर्ड साइड क्या बचती है, 5. तो ये तो एक केस ट्रू हो गया. मैं तीनों केसेस का करके आपको बता देती हूँ. जस्ट ये इसी तरह है जैसे हमने ये वाला नहीं किया, बट ये दैट इज फॉर एडिशन. और ये अब हम करने वाले हैं फॉर सब्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 3, आपने प्रूफ करना है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. जबकि हमने ग्रेटर का एक एमसीक्यू एक वो किया है, ट्रू फॉल्स किया है. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन करते हैं. साइड्स आपके पास जो गिवन है, साइड्स की लेंथ जो गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 8 नहीं, सॉरी, ये मैंने कोई और लेंथ नहीं लिखी, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए लिखी है. क्वेश्चन नंबर 3 की है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड. तो क्या ये आता है या नहीं आता. ठीक है, ओके, चेक करते हैं. पहले मैं इन दो साइड्स को पिक करती हूँ, 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो आ जाता है 1 सेंटीमीटर. और इस केस में थर्ड साइड क्या आ रही है, 5. तो ये तो इसके लिए वेरीफाई हो गया, ट्रू है. अब नेक्स्ट टू साइड्स लेते हैं, 12 माइनस 5. आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है, स्मॉलर में से ग्रेटर को नहीं करना. बिकॉज आप सबको पता है कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो इसलिए अगर स्मॉलर से ग्रेटर करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगी. 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द आंसर, 6 नहीं, 7, 7 सेंटीमीटर. और थर्ड साइड क्या है, 13, तो यस दैट इज लेस देन 13 सेंटीमीटर. तो ये भी ट्रू हो गया, दो केसेस ट्रू हो गए. अब कौन सी लेंथ आपस में माइनस करने से रह गई हैं, 13 माइनस 5, तो 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द आंसर, 8 सेंटीमीटर. और इसके लिए जो थर्ड साइड रहती है, 5 और 13 यूज हो गई है तो 12 रहेगी है, तो यस 8 सेंटीमीटर इज लेस देन 12 सेंटीमीटर. तो ये भी इसके लिए भी ट्रू हो गया, तो हिंस प्रूव. और पूरी वो स्टेटमेंट लिख लें या बस इतना भी कर लें हिंस प्रूव, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता है कि आपने स्टेटमेंट को ही प्रूव किया, तो वो बता सकता है कि द डिफरेंस ऑफ द टू एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, अब सिकंदर भी आ गए और सिकंदर से तो हमने बात करनी है ना. आए जरा क्लास में. अच्छा हसीब, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज, इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो स्टूडेंट्स ये आप लोग करेंगे, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे ना, क्योंकि मैंने आप लोगों का भी करके एमसीक्यूज नंबर, सॉरी ये मैं इसको बार बार एमसीक्यूज क्यों बोल रही हूँ, ट्रू फॉल्स नंबर 10 जो है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, वो उसकी तीन लेंथ दी हुई थी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर करके दिखाया है. तो बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आपने ये वाला प्रूफ करके दिखाना है. आई थिंक सो ये सब स्टूडेंट्स बहुत इजीली कर सकते हैं. तो मैं आपको ये होम असाइनमेंट के तौर पे भी असाइन करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका टास्क है, आपने उससे मुझे करके दिखाना है बिल्कुल जस्ट लाइक ट्रू फॉल्स नंबर 10, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं. कर सकते हो ना स्टूडेंट्स, एनीवन से यस, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ. ठीक है, ट्राई करना है, हो जाएगा, ट्राई करिएगा सब बच्चे. ना भी हुआ तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, जैसे आज अरसलान ने बता दिया था कि वो एक्सप्लेन करे. तो ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट अ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, गिव रीजन.
ये लोग कह रहे हैं कि ये लेंथ नहीं है ट्राइंगल की, आप रीजन बताएं कि जैसे हमने, ये भी बिल्कुल वैसा ही है लेकिन इसको मैं करवा देती हूँ. इसमें ये होगा ना कि द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेट, द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट इसमें एक साइड की जो लेंथ है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आती, तो जिस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है. ये इसलिए ये लेंथ्स जो होती हैं वो ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं होती, और हम स्टेट कर देते हैं बिकॉज रीजन इज दैट द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट इन दिस केस दिस इज नॉट फुलफिल्ड दिस सिचुएशन. So 3 centimeter, the given lengths are not a length of triangle. मैं इसे प्रूव करके बताती हूँ. सॉल्यूशन, गिवन लेंथ्स हैं आपके पास, या आप अगर ये समझ लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी समझ ही आ जाएगा. 3 centimeter, 4 centimeter and 7 centimeter. चेक करते हैं सम ऑफ टू साइड्स वाला केस. डिफरेंस वाला भी कर सकते हैं लेकिन हमने सम का थ्योरम किया तो हम सम का ही करेंगे. 3 centimeter plus 4 centimeter, मैंने पहले ही वो चूज कर लिया, पहले डिफरेंट करते हैं, रॉन्ग वाला कर लिया. 3 centimeter plus 7 करते हैं. 3 centimeter plus 7 centimeter, तो ये आपके पास आ जाता है 10 centimeter, और देट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि थर्ड साइड 4 आ जाता है, तो वो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही. अब 7 plus 4 कर लेते हैं, 4 centimeter प्लस 7 centimeter, तो आपके पास आ जाता है 11 centimeter, और थर्ड साइड आपके पास 3 रहती है, तो यस दैट इज ग्रेटर देन 3 centimeter. अब आपके पास रह गया कौन कौन से, 4 plus 3, तो 3 centimeter प्लस 4 centimeter, बट इन दिस केस आपके पास आंसर आता है 7 centimeter, विच इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज 7 centimeter. तो इट्स मीन प्रूफ हो गया कि दिस दीज गिवन लेंथ्स आर नॉट अ लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल. तो आप यहाँ पे इसे राइट डाउन कर देंगे रीजन, विच इम्प्लाइज दैट द गिवन, द गिवन लेंस आर नॉट अ लेंस ऑफ ट्राइंगल. रीजन क्या है, बिकॉज रीजन, रीजन के हेडिंग हेडिंग देके कर देते हैं. नीचे से आपको नजर आ रहे हैं, आप हेडिंग देके इसको करिएगा. मैं ये जस्ट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह लिखती हूँ, रीजन बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल sides of triangle is always greater than third side. तो इसलिए ये फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि आप सबको पता चल गया कि ये थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा था इस केस में, इसलिए ये जो है लेंथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो थोड़ा क्लमजी सा लिखा हुआ है लेकिन इसकी स्टेटमेंट को देख लेना, जगह नहीं थी मैंने इसको इस तरह लिखी है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. यस ओके, इसको नोट डाउन करें फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. आपने इसमें बताना है 3 centimeter and 4 centimeter are the lengths of two sides of right angle triangle. Special type की triangle है, that is right angle triangle. Then आपने, then what should be the length of the third side of triangle? The third side of triangle क्या होने चाहिए? अच्छा, अगर right angle triangle पता है, आपने chapter number 15 किया था, उसमें Pythagoras theorem था. तो अगर हमें hypotenuse and base value पता हो, तो हम easily third side या base और hypotenuse means two sides of triangle पता हो, तो थर्ड साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इस केस में उन्होंने ये नहीं बताया, ये है तो स्पेशल टाइप की ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, बट इन्होंने आइडेंटिफाई हमें नहीं करके बताया कि 3 centimeter और 4 centimeter कौन सी साइड्स की लेंथ हैं, आइदर वो परपेंडिकुलर हैं, बेस हैं या हाइपोटेन्यूस हैं. लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए. तो हम पाइथागोरस थ्योरम वाला भी केस इसमें अप्लाई करेंगे,
और जो थ्योरम नंबर हमने 13.1 और 2 में यानी कन्वर्स और उसका जो मेन थ्योरम था उसमें जो स्टेटमेंट की थी वो भी यूज करेंगे, सॉरी थ्योरम नंबर 13.3 में यूज की थी, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो कंसेप्ट भी यूज करेंगे. तो सबसे पहले आप देखें कि 3+4 है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन सबसे पहले हम यूज करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपने किया था पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है. आप कंसेप्ट वो यूज करेंगे जो आपने, सिंस आपको पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये दोनों कंसेप्ट यूज करके आपके पास थर्ड साइड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी. थर्ड साइड कैसे, अगर मैं आपके पास जो गिवन लेंथ है S, गिवन आपके पास क्या है, गिवन लेंथ आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. आपको ये बात पता है कि द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करूं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, मींस ये कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर ले जाऊं माइनस हो जाए, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज, तो आप सबको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, ठीक है. तो अब अगर मैं इसे उस 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को आपस में स्क्वायर लेके माइनस करूंगी तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 7 आ जाएगा. 7 तो किसी का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो थर्ड साइड स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी. ये जस्ट वर्बली मैं बता रही हूँ. तो इट्स मीन ये हुआ कि ये ना तो हाइपोटेन्यूस हो सकती, ये हाइपोटेन्यूस और बेस या परपेंडिकुलर की वैल्यूज नहीं हो सकती, ये सिर्फ आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये बेस की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर की, क्योंकि ये इस केस को फुलफिल नहीं कर रही है. अगर हम इसका कौन सी वैल्यू ले लें, एक को हाइपोटेन्यूस और एक को व्हाटएवर बेस लें या परपेंडिकुलर लें, तो इस इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर बेशक ना डालें अभी एंड 4 का स्क्वायर. तो आपके पास हाइपोटेन्यूस के 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 आपके पास आ जाते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपने स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कैंसिल किया तो 25 का स्क्वायर जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाता है. तो इट्स मीन आपको पता चल गया कि थर्ड साइड जो है दैट मस्ट बी थर्ड साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जस्ट आपकी एक रिकॉलिंग कंसेप्ट थे, उनको यूज करके हमने इसको सॉल्व करना था. ये सबको समझ में आ गया?